हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी लोग? तो यस्टरडे मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेडमी नोट 4 को MIUI 9.5.8.0 का अपडेट जो मिल गया है वो नाइटली था, तो सभी को नहीं मिला होगा, पर मेरे पास उसकी फ़ाइल पड़ी है। अगर आप चाहो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके, तो आज का वीडियो है रेडमी 5A यूज़र्स के लिए। रेडमी 5A को 9.5.6.0 का अपडेट मिल गया है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। पर उससे पहले आप अटेंडेंस लगा देना, मतलब चैनल को लाइक करना, मतलब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छी नहीं लगी वीडियो तो डिसलाइक कर देना और शेयर कर देना अगर आप चाहो तो। रेडमी 5A का जो अपडेट मिला है उसमें जो फीचर्स हैं वो सेम रेडमी नोट 4 के जैसे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा पर सभी सेम है। जैसे कि रेडमी नोट 4 में नया फीचर्स आया था जो नई बैटरी का, जैसे आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको बैटरी का ऑप्शन दिखाई देगा। पहले यहाँ पर ये तीन ऑप्शन नहीं थे, पहले सिर्फ दो थे, अभी तीन हो चुके हैं। तो अच्छी बात है, थोड़ी सी बैटरी में सेटिंग अच्छी लाई है ताकि हमारी बैटरी कम जाए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फीचर था सिक्योरिटी पैच का, सिक्योरिटी पैच को भी अपडेट किया है जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 5 मार्च का अपडेट किया है इसमें। तो सिक्योरिटी पैच लगातार अपडेट हो रहा है जिससे हमारे फ़ोन को अच्छा, मतलब जो वायरस से फ्री होगा। जो MIUI 9 में नया क्लॉक आया है ये सभी को मिला होगा 9.5 में, तो रेडमी 5A को मिला चुका है। और ये UI है, मतलब जो एनिमेशन है वो भी अच्छी कर दी है उन्होंने। और जो नई नोटिफिकेशन रिंग ट्यून्स हैं जो हमारे यहाँ पर मिल जाएंगी आपको नोटिफिकेशन जाकर, तो इससे भी नई नोटिफिकेशन ट्यून्स आई हैं, जैसे कि आपको कोई भी रिंग ट्यून नहीं लगा सकते हो। और जो हमारा फ़ोन का लॉक और अनलॉक साउंड है वो भी नया है, जो पहले था उसे अभी डिलीट कर दिया गया है परमानेंटली, और अभी नया ही काम करेगा। और इसकी जो ट्यून है वो बहुत अच्छी है पहले से। और जो नया अपडेट है वो है हमारा जो नोटिफिकेशन का, जो कि जो हमारे टॉगल्स हैं उसे थोड़ा अच्छा बनाया है। और जो नोटिफिकेशन हमें आती हैं उसे सेपरेट कर दिया गया है, मतलब जो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी मतलब कॉलम्स हैं वो अलग अलग कर दिए गए हैं, जिससे आपको आईफोन की लुक दिखाई देगी। और जो नया है हमारा क्विक डायल, क्विक डायल मतलब जब हम नीचे डायल पैड ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगी आपको एडवांस में, एडवांस में जहाँ जाओगे तो यहाँ पर होगा क्विक डायल। तो ये क्विक डायल है, इससे आप किसी भी नंबर को जल्द से जल्द डायल कर सकते हो। जो नेक्स्ट का फंक्शन है जो हमारा ऐप वॉल्ट का, इसे थोड़ा ऐसा अच्छा बनाया गया है, मतलब इसमें जो एनिमेशन है वो नए हैं, नए फंक्शन लाए हैं, जैसे हम थोड़े से और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐप वॉल्ट में थोड़ा सा नया फीचर लाया गया था। और जो लास्ट वन है नए लॉक्स का फोर ऐप्स, मतलब अगर आप कोई ऐप को लॉक लगाते हो उसमें अभी पैटर्न, पिन और जो पासवर्ड है ये तीन ऑप्शन लाए हैं, जिससे हम अपने लॉक किसी भी ऐप को लॉक करेंगे तो अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी। और भी बहुत से फिक्सेस किए हैं जो कि रेडमी नोट 4 के लिए और रेडमी 5A के लिए सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको अपडेट नहीं मिला तो आप चेक कर लेना, बिकॉज़ अपडेट नाइटली था तो सभी को नहीं मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप चाहो, अगर आप रेडमी 5A का अपडेट चाहते हो अभी तो वेट कर लीजिए एक दो दिन, मैं आपको फ़ाइल सेंड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना। फ़िलहाल मेरे पास फ़ाइल नहीं है तो माफ़ कर देना एक बार। रेडमी नोट 4 के लिए फ़ाइल है मेरे पास 9.5.4.5.8.0 की, तो वो आप मेरे से अभी ले सकते हो। और वो फाइल में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी सभी फिक्स कर दिए गए हैं उसमें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, मतलब
अटेंडेंस लगा देना। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। बस।